हेलो एवरीवन, आज हम आपको एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन जिसको सेकंड में सॉल्व करने का तरीका बताने वाले हैं। जबकि आप डिटेल में अगर उसको लगाओगे तो दो चार मिनट लग सकता है, लेकिन उसको कैसे चंद सेकंड में लगाया जाए ये ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। टॉपिक हमारा है हाउ टू कन्वर्ट ए नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल इंटू रेशनल नंबर, आर यू कैन से दैट इंटू फ्रैक्शन, आर यू कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल को कैसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये विद इन 20 सेकंड में कैसे लगाया जाए। तो पहले मैं विद इन 20 सेकंड में, जैसा कि मैंने लिखा है, विद इन 20 सेकंड में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसका डिटेल में फिर आपको समझाऊंगा, ताकि आप ये ना सोचो कि सर ने कहा कि 20 सेकंड में बताना है और लगा लिए जो है 5 मिनट लगा दिया। तो मैं 20 सेकंड, अब एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है? नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 0.3 बार, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 0.09 बार, तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 0.00। हमने 3 क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन के लिए हमने कहा कि 20 सेकंड। तो चलिए 0.3 बार है प्योर रिकरिंग डेसिमल है, दिस इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, इस 3 को लिख लो ऐसे ही और उसके बाद अपान कर दो। अब चूंकि एक डिजिट पर बार लगा हुआ है तो 9 से डिवाइड कर दो, बस हो गया हमारा आंसर। एक अब इसको सॉल्व करना चाहो तो 1/3 कर दो, 3 1 3 3 3 9। अब ऐसे ही इसमें देख रहे हैं वो 2 डिजिट पर लगा हुआ है तो 09 लिख दो, बार हट गया, और 99 से डिवाइड कर दो, दिस इज इक्वल टू 1/11 हो गया इसको। ऐसे यहाँ पर 3 डिजिट पर लगा हुआ है तो क्या करेंगे, बार हटाएंगे तो 0/01/3 डिजिट पर है तो 39 से डिवाइड कर दो, यानी 999 यानी 999, दिस इज इक्वल टू 1/99। तो हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिकरिंग डेसिमल को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी पी अपान क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पी अपान क्यू के फॉर्म में तो पी अपान क्यू का मतलब रेशनल नंबर ये भी है, रेशनल नंबर ये भी है, रेशनल नंबर ये भी है, यही हमारा क्वेश्चन था। तो हमने कहा था कि 20 सेकंड में कैसे लगाया जाए, ये हमने लगा दिया आपको 20 सेकंड में। बट आपको एक चीज ध्यान देना, अगर यही जो है ऐसे होता 0.35 बार या 1.27 बार, यहाँ पर 5 पर बार है 3 पर नहीं है, यहाँ पर 27 पर बार है मगर 1 पर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल जो है यहाँ पर, यानी इसको हम नहीं लिख सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू 0.35 अपॉन, हमने क्या कहा कि 9 एक डिजिट पर अगर बार है तो उस बार हटाओगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा 0.35 अपॉन 9, ऐसा कभी नहीं होगा 1.27 अपॉन 2 डिजिट पर है तो 999, ऐसे नहीं होगा। अब कहोगे सर क्यों नहीं होगा, अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है प्योर रिकरिंग डेसिमल, अभी तक इस पर गौर नहीं किया होगा आपने, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल जो है 2 तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल 2 तरह का होता है। क्या क्या? एक होता है कि उसके उसमें सभी डिजिट रिपीट कर रही हो, यानी ये हो गया प्योर रिकरिंग डेसिमल, ये हो गया मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो प्योर में क्या हो गया 0.3 बार, 0.09 बार, 0.001 बार, यानी जितनी भी डिजिट दी हुई हो सब पर बार लगा हुआ,
इसमें क्या होता है, किसी पर रहेगा बार, किसी पर बार नहीं होगा। जैसे 0.3 पाइप पर बार लगा हुआ है, यानी पाइप रिपीट कर रहा है। 1.27 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 1.27 .. इसका मतलब क्या हुआ कि 27 रिपीट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, अक्सर AMU में, BHU में, जामिया में 11th क्लास के एग्जाम या तमाम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब वहां पर आपको वक्त की जरूरत होती है। इस शॉर्ट ट्रिक से आप लगाओगे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए रूल फेल है। रूल उसी के लिए फॉलो कर रहा है जिसमें प्योर रेकनिंग के लिए फॉलो कर रहा है, मिक्स्ड के लिए नहीं। तो मिक्स्ड के लिए आप जो रूल जानते हो एक्सप्लेनेटरी मेथड का, लॉन्ग मेथड का, उसी से आप लगाओगे। क्लियर?